हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल बर्ड्स माफिया। तो गाइस हमारा आज का टॉपिक है पक्षियों और तोतों को खाने में क्या क्या देना चाहिए। तो मेरा नाम जय शर्मा है। तो गाइस जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे हमारी और भी वीडियोज आपके पास पहुँच सके। तो गाइस जैसे कि हमारा टॉपिक है पक्षियों को खाने में क्या क्या देना चाहिए। तो गाइस जैसे कि लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, अगर आपने कभी कोई पैरासिट पाला हो जैसे कि बजीज हुआ, लवबर्ड्स हुए, फिंचिस हुए, अफ्रीकन ग्रे हुए या फिर मखा हुआ, तो उसमें आप कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या डाइट देनी चाहिए, क्या सॉफ्ट फूड देना चाहिए, किस मौसम में देना चाहिए, किस हिसाब से देना चाहिए। तो उसी पर आज हम आपको पूरी वीडियो बताएंगे। तो गाइस जैसे कि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे आप बिगनर है या फिर आप न्यू बर्ड लेके आए हैं तो आप सबसे ज़्यादा यही सोचते हैं कि हम उस बर्ड को डाइट में क्या दें। हम जैसे कि मैं भी था, मैं फर्स्ट टाइम जैसे बजीज लाया था तो मैं यही सोचता रहता था कि मैं इसको डाइट में क्या दूँ, इसे क्या खिलाना चाहिए या फिर इसे किस टाइप से रखना चाहिए। तो हम आज इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब पॉइंट्स को इसमें कवर करेंगे। जैसे कि आप स्टार्टिंग में या फिर आप कोई भी बर्ड लाते हैं जैसे मखा हुआ, अफ्रीकन ग्रे हुआ, कोकाटो हुआ या कोई सा भी बर्ड, तो हर बर्ड का मतलब खाने का तरीका या फिर खाना पीना थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। वैसे हर ब्रीड का उसके साइज और उसके बीट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा फूड खा सकता है और वो कैसा फूड खाने के लायक है। तो हमें उसे किस टाइप का खाना देना चाहिए, कैसे क्या फूड देना चाहिए। तो गाइस वैसे फूड तो दो तरीके का होता है, जैसे एक तो होता है पेट भरने के लिए और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स वाला होता है जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, जो मल्टीविटामिन वगैरह, विटामिन मिनरल्स वगैरह जिसमें सब चीज़ मिलता है, उनमें प्रोटीन मिलता है और सब चीज़ होती है कि जिससे बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है और डाइट एंड बैलेंस डाइट में भी फ़र्क होता है। हम घर पर तोते को, जैसे आप जनरली पैरट को पाल रहे हैं, आप पैरट को लेकर आए तो आप उसको नॉर्मल इस टाइप से फूड देंगे जैसे रोटी दे दी, ये दे दी कि उसका पेट भर जाए, पर इस हिसाब से नहीं देंगे कि उसको जैसे उसके शरीर में अगर विटामिन की कमी हो रही है, किसी चीज़ की कमी हो रही है तो वो उसको पूरा कर पाए। तो उन चीज़ों के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे। तो गाइस वैसे गाइस आपने अधिकतर पैरट्स को सीड खाते हुए देखा होगा, पर सीड भी बहुत तरीके का होता है। जैसे इनको अधिकतर पैलेट्स ज़्यादा पसंद होता है और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। पैलेट्स में क्या होता है, वो एकदम न्यूट्रिशियस भरा हुआ सीड होता है और उसको आप हर बर्ड को दे सकते हैं, चाहे से वो बजीज हो, कॉकटेल हो, फिंचिस हो, कोई सा भी हो, आप उनको पैलेट दे सकते हैं। पैलेट में भी मिक्स सीड और वो आता है जिसके अंदर मतलब सब सीड्स होते हैं, इससे पैरेट के अंदर की सारी कमी कंप्लीट हो जाती है, चाहे से उसको विटामिन की कमी हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, आप उसको वो चीज़ दे, उसको अच्छा लगेगा, मतलब वो उसको शौक से खाएगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको फूड के बारे में नहीं पता है ज़्यादा तो आप उसको मतलब जिस ब्रीडर से लाएंगे वो भी पैलेट्स ही बताएगा, तो आप उसको स्टार्टिंग में पैलेट्स ही ज़्यादातर दे। और उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या दे क्या नहीं दे तो आपके आसपास में जो भी वेटनरी डॉक्टर हो या फिर कोई भी क्लिनिक हो उस पर जाके आप अपने बर्ड का ब्रीड बताकर उसका एक डाइट चार्ट बनवाए और आप उसको दे सकते हैं। और गाइस जैसे कि आप पैलेट्स उनको रेगुलर दें और उसके बीच बीच में कुछ सॉफ्ट फूड हो गया, जैसे अपना होता है स्पेनिश हुआ, ये सब हुआ, पालक वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, आप उनको वीक में ट्वाइस दें। और उसके अलावा बॉयल्ड राइस हुए, ये हुए, आप ये सब चीज़ें हर बर्ड को दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हुआ, ये सब हुआ। तो गाइस आप हर बर्ड की अधिकतर सेम ही वो होती है कि उनकी डाइट वगैरह कि उन्हें क्या चाहिए, पर उनको वीक में वो पैलेट्स के अलावा आप कुछ न्यूट्रिशियस डाइट भी दे जिसमें ग्रीन फूड वगैरह भी आ जाता है, बॉयल्ड राइस वगैरह सब चीज़ें आ जाती है। अगर गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिए हमारी और भी वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।